हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज की क्लास में मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट सेशंस को ऑन कर लेती हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। ओके गाइस, तो नाउ ओपन। तो चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। और चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर से भी रिलेटेड है, और जो पिछले मैंने कई बार आपको कितनी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उन सभी चीजों से रिलेट करते हुए। तो आपको आज जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमें सभी क्वेश्चन के आंसर आज जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। ओके सो वेल, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगने वाली है। हेलो एंड हाउ आर यू, सभी लोग कैसे हैं जरूर बताएं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण उद्देश्य संकल्प को स्थानांतरित किया था, यानी कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका रखा था 13th of December 1946 को, यानी कि जिसे मैं उद्देश्य संकल्पना कहती हूँ। ठीक है बच्चे, उद्देश्य संकल्पना के बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बच्चों को पढ़ाया है और जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें ये पता भी होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी। तो बेसिकली किसके द्वारा किया गया था? चलिए, अभी चौधरी ने ऑलरेडी आंसर कर भी दिया है, बहुत बढ़िया अभी चौधरी। द करेक्ट आंसर इज बच्चे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इनके द्वारा ही, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनके द्वारा ही हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन बना था। ये भी याद रखना कि इनके द्वारा ही हमारे देश में प्लानिंग कमीशन रखा गया था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इनके द्वारा ही रखा गया था। ठीक है, तो जिसमें इन्होंने कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए या हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें कि महत्वपूर्ण थे महिलाओं के अधिकार, बैकवर्ड एंड बैकवर्ड ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास होती है उनके कुछ अधिकार, ठीक है, समाज में रहने की गरिमा मान सम्मान, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने बेसिकली बात करी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को आपका रखा गया था। हमारे देश में पहली संविधान सभा जो बनी थी वो 9 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि आपका भारत के अंदर संविधान बनेगा। उसके बाद बहुत ही जल्दी आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अगले में देखेंगे कि नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे लिखा भी बच्चे भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रायम्बल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मतलब हमारे देश का जो प्रायम्बल है यानी कि प्रस्तावना है संविधान की, ठीक है, हमारे देश का जो प्रस्तावना है या यू कैन से प्रायम्बल, वो कम्प्लीटली आपका उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्पना पर आधारित है, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, जो 13 दिसंबर 1946 को आपका रखा गया था। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षिप्त में मौजूद है। ठीक है, तो इसे आपका भारत के संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका प्रस्तावना या उद्देश्य को भी संविधान की आत्मा बच्चे कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आपकी प्रस्तावना में हमारी देश, हमारा जो प्रायम्बल है उसी से आपको पता लग जाएगा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। ओके सो वेल, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और बच्चे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब रखा गया था तो उसमें इन सब चीजों पे फोकस किया गया, जैसे कि मैं एक एक करके हिंदी में समझा रही हूँ, तो प्लीज अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो प्लीज परेशान नहीं होंगे और बार बार नहीं कहेंगे कि इंग्लिश में क्यों लिखा है, इंग्लिश में क्यों लिखा है। ठीक है, मैं इसे हिंदी में ही आपको ट्रांसलेट करूंगी। ओके, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ सचिन चौधरी, ठीक है, तो मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करूंगी। तो बच्चे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना था वो इन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बातें कही गई थी वो कुछ ये बातें कही गई थी। पहला, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन इंडिया। इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन इंडिया का मतलब होता है स्वतंत्र और संप्रभु भारत, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वतंत्र और संप्रभुत्व भारत, मतलब हमारा देश का जो संविधान होना चाहिए वो कंप्लीटली स्वतंत्र होना चाहिए और संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब होता है किसी अनदर कंट्री, किसी भी अनदर कंट्री का हमारे देश के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेलफेयर, हमारे देश का संविधान जो बात करता है वो हमेशा शांति और कल्याण की बात करता है, ठीक है। तो हमारे देश का संविधान जब भी बात करेगा तो वो शांति एवं कल्याण की बात करेगा, इसीलिए कहा गया प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेलफेयर। अगला आता है बच्चे सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लासेस। मतलब देखिए आपका जो बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। नोट्स मिलेंगे बेटा ब्रजेश, आज मैं आपको बैठ के सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लासेस, तो बच्चे देखिए सेफगार्ड यानी कि बच्चे यहाँ पे बोला गया कि जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है या फिर जो आदिवासी हैं, उन सभी के हितों की रक्षा करना। इसके बाद फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, हर व्यक्ति को अपने बोलने की, आपका संपूर्ण बोलने और अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करी गई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। जस्टिस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, न्याय, हमारा संविधान न्यायपूर्ण होना चाहिए जिसमें हमेशा राजनीतिक सॉरी सामाजिक राजनीतिक और आपका राजनीतिक और आपका क्या आर्थिक न्याय की बात की जानी चाहिए। ऑल पावर ड्राइव फ्रॉम पीपल, हर पावर आपका जनता से होनी चाहिए, यानी कि जनता से है जबी तो हमें चुनाव देने का अधिकार है। हमारे देश का जो मुख्यमंत्री होता है उसको भी भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया के अंदर ऑल पावर ड्राइव फ्रॉम द पीपल्स, सारी पावर्स जो है वो जनता के अंदर ही निहित है कहीं ना कहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 23 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था संविधान सभा के अंदर। और पहली संविधान सभा बच्चे आपका 9 दिसंबर 1946 को बेसिकली बनी थी। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बताएं। यस मैम क्लियर है, प्लीज टेल मी। वेरी गुड आफ्टरनून अंजलि रजा, जल्दी से मुझे बता दो बच्चों कि क्लियर हो गया है सभी बच्चों को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब बच्चों को क्लियर है मेरी बात? अगर क्लियर है तो बताएं। यस मैम क्लियर है दिस क्वेश्चन, मैंने विद द फुल डिटेल्स आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा रह गया है जो तुम्हें समझ नहीं आया होगा। अगला आगे बच्चे बोला जाता है, देखिए अगर हम भारत की, क्योंकि हमारा जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देखते हुए भारत के अंदर संविधान की प्रस्तावना बनी जिसमें इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया, जैसे कि संप्रभुत्व हो गया, ठीक है, संप्रभुत्व हो गया, संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की गई। तो बच्चों ये जो आपका भारत के संविधान का प्रायंबल है या आप इसे उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था उसके ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही ली गई है। अजय प्रजापति, आई डू नॉट नो लैंग्वेज मैम, ओनली फॉर हिंदी। ओके, ये लिखते आप इंग्लिश में हो और चाहिए आपको हिंदी, बड़े बड़े गजब हो यार तुम तो। चलो अजय प्रजापति, आई ऑल्सो टेल यू आंसर कि मैं आपका ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ। ओके अनिल, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को धीरे कर देते हैं। ओके, सो वेल आई होप कि उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा आपको और हम अगले सवाल में अब बढ़ सकते हैं। तो गाइस हम बढ़ सकते हैं ना अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द रिजोल्यूशन प्रपोजिंग दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी अ हॉरिजॉन्टल ट्री कलर ऑफ सैफ्रॉन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन विद द व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर। निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव पारित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग के समान तिरंगे के बराबर अनुपात में होगा, केंद्र में नौसेना नीले रंग के पहियों के साथ। तो बच्चे ये किसने आपका बेसिकली ये किसने आपका रखा था कि जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग का होगा और समान
तिरंगे के बराबर अनुपात में केंद्र में नौसेना नीले रंग के पहियों के साथ बेसिकली होगा। तो ये किसने रिकमेंड किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिकमेंड किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपका किसके द्वारा, हमारे देश का ध्वज तो आप सभी ने देखा होगा, झंडा आप सभी ने देखा होगा, और उस झंडे को बहुत बहुत आप सद्भावनापूर्ण पूरे सम्मान के साथ बहुत प्यार भी करते होंगे। तो बच्चे ये आपका किसने रिकमेंड किया था कि इसमें ये कलर होने चाहिए? तो द करेक्ट वन इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसको भी आपका किया था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिसकी यहाँ पर कंप्लीटली आपको मैं हर क्वेश्चन की डिटेलिंग भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए इसकी कंप्लीट डिटेल भी लिखी गई है। तीन कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। यह नेहरू थे जिन्होंने महत्वपूर्ण उद्देश्य संकल्पना को हस्तांतरित किया। साथ ही प्रस्ताव था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केशरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा, जिसके केंद्र में नौसेना नीला है। ठीक है, तो बच्चे देखिए आपका ये कंप्लीटली इसका जो प्रतिनिधित्व किया गया, देयर आर थ्री मेंबर्स, या यू कैन से देयर वर अ रिप्रेजेंटेटिव और देयर वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, नेमली पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद जी। एंड इट वॉज अ नेहरू वॉज मूव द क्रूशली ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन एज वेल एज द रेजोल्यूशन प्रपोजिंग दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी अ हॉरिजॉन्टल ट्रिकलर ऑफ सैफ्रॉन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन द इक्वल प्रपोर्शन। ओके, तो बच्चे ये आपको याद रखना है, इसमें नेवी ब्लू आपका कलर रखा गया था। सो वेल, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बट देयर आर थ्री मेंबर्स ऑफ द कमेटी, द पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर पंडित सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी एंड प्लीज एक्टिव इन द कमेंट सेशन, अपने कमेंट सेशन में एक्टिव रहिए। और अगर मैं पूछती हूँ कि इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी यस और नॉट, कि क्लियर है या क्लियर नहीं है, जिससे मुझे आपके सिर्फ इन्हीं सब चीजों से पता लगता है कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकेम अ लोकसभा मेंबर? आपकी जो आपका न्यूनतम उम्र होनी चाहिए एक लोकसभा का प्रतिनिधि या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, वो कितनी साल आपका बेसिकली होनी चाहिए? तो 30 इयर्स, 18 ईयर, 25 ईयर, 35 ईयर। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए ये मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, नहीं विनीत कुमार मेरे पास नहीं है, मेरा प्लेटफॉर्म भले ही छोटा है पर आपको नॉलेज यहाँ कम नहीं मिलेगी, दैट इज माई प्रॉमिस। ओके चलिए, तो लोकसभा का आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए बच्चों, द मिनिमम एज इन लोकसभा दैट इज 25 इयर्स। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 25। ओके चलिए बच्चे, मैं आपको बता दूं, लोकसभा के अंदर आपका कुछ मंत्री परिषद होते हैं और कुछ मंत्रिमंडल होते हैं। कई बच्चों को ये बड़ी दिक्कत होती है कि मैम हमें मंत्री परिषद या जी इसे आप क्या कहते हैं, आपका आपका मंत्री परिषद यानी कि मिनिस्टर काउंसिल और आपका मंत्रिमंडल मैनेज आपका कैबिनेट, इनमें बच्चे अंतर नहीं समझ पाते कि कैबिनेट क्या है और काउंसिल क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है, जो बच्चे मंत्री परिषद या आपका जो काउंसिल होती है उसके अंदर केंद्रीय मंत्री होते हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर जितने भी होंगे एक्स वाई जेड, राज्य मंत्री स्टेट मंत्री होते हैं, और केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री की मदद करने के लिए उसमें उपमंत्री भी होते हैं। ठीक है, इन सबको मिलाकर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और आपका उपमंत्री, तीनों को मिलाकर काउंसिल बनती है यानी कि मंत्री परिषद बनता है, और इस मंत्री परिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, ये याद रखेंगे, इस मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, बल्कि कैबिनेट के अंदर सिर्फ जो मंत्रिमंडल होता है यानी कि जिसे आप कैबिनेट कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ केंद्रीय मंत्री आते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सारे लोग आपके कैबिनेट में आते हैं, जिन्हें आप सिर्फ केंद्रीय मंत्री यानी कि ओनली सेंट्रल मिनिस्टर्स आर इन देयर द कैबिनेट। ओके, तो आपका एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड करेंटली इज द नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ओके, करंट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है क्या, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है? अगर तेज है तो मुझे बताएं, यस मैम तेज है, अगर नहीं है तो भी बताएं कि नहीं मैम ओके है, हमें समझ आ रहा है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं स्पीड तेज है, स्पीड तेज है, कुछ नहीं, एक बच्चा कह रहा है।
ओके गाइस, आपके कमेंट्स एक्चुअली शो नहीं हो रहे, तो मैं सिस्टम को दोबारा से रिफ्रेश कर रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, ताकि एक्चुअली जब तक कमेंट्स शो नहीं होते, पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बच्चों की बात नहीं कानों में पड़ती है, तो बेकार है पढ़ाना। इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पूरी चीज़ें दोबारा से रिफ्रेश कर लेती हूँ, ताकि मुझे आपके सभी कमेंट मैं एटलीस्ट देख पाऊँ। ठीक है, तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। बस बच्चों, अभी 1 मिनट का टाइम मैं ले रही हूँ आप लोगों से, ठीक है, आपके कमेंट्स को ऑन करने के लिए। तो बस 1 मिनट। ओके, चलिए, आई थिंक एप्लीकेशन में कुछ इशू आ गई है, तो माफ़ करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे, अभी क्लियर है। ओके, सभी बच्चों के मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए, नाउ क्लियर। मीडियम है मैम, मीडियम है मैम, ओके है मैम, ओके है मैम, ओके बोलो मैम, ओके प्लीज, स्पीड सही है, ओके अनिल कह रहे हैं स्पीड सही है, धीरे बोले। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ क्या? अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत तेज लग रही है क्या अनिल? चलो कोई बात नहीं। बच्चों, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, उसमें आपका केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री आते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं, जैसे स्मृति जुबिन ईरानी है, ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी है, नितिन गडकरी है, तो ये सब क्या है, कैबिनेट के मंत्री है। राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। जो स्टेट मंत्री होते हैं ना बच्चे, वो कैबिनेट मंत्रियों को क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। उपमंत्री कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक और सांसदीय सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री मतलब वो मतलब ये एक तरह से एड प्रोवाइड कराते हैं इन लोगों को। तो देखिए, कभी कभी मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। जब मंत्री परिषद काउंसिल होती है, तो उसमें जरूरी नहीं है उपमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप मंत्री प्रधानमंत्री थे, पर लेकिन वो कैबिनेट में काउंसिल में भी शामिल थे। इसी तरह से इंदिरा गांधी थी तब मोरारजी देसाई थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे तब लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो इस तरह से आपके जो आपके मंत्री परिषद होता है, जो काउंसिल होता है, उसमें आपके उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी अटपटा या अलग नहीं लगता है, एक जैसा ही है। ओके बच्चे, देखिए, और बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 74 मैं आपको कल भी पढ़ा चुकी हूँ, इसमें वो क्या कहता है आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में पढ़ा चुकी हूँ, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके प्रधान हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति आपका क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद बनाने का काम करते हैं। आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होगा, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको मद्देनजर नहीं रखना है। आर्टिकल 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। प्रधानमंत्री को संघ एवं प्रशासन के कार्यों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है। ये आर्टिकल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आर्टिकल 78, कि भैया प्रधानमंत्री क्या करता है, आपको समय समय पर जानकारी प्रोवाइड कराने का बेसिकली काम करता है। ठीक है,
91 संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है। मतलब जो आपके मंत्रिपरिषद होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% बेसिकली होते हैं। भारत के पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत 36 सदस्य थे। मतलब जब पहला प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि पहले प्रधानमंत्री जब बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके समेत 36 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें पहले वित्त मंत्री जो बने थे वो जॉन मिथाई बने थे, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। क्या समय रहा होगा जब अब्दुल कलाम आजाद हमारे देश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अभी देखो और जब भी देखो, अभी क्या मंत्री होते हैं और अभी जब क्या मंत्री हुआ करते थे। नाम देख के ऐसा लग रहा है कि भैया क्या ग्रेट इंडिया होगा, है ना। पहले वित्त मंत्री जॉन मिथाई, सेके और आपके शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद, और कानून मंत्री तो भैया क्या क्या ही क्या नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इतने बड़े बड़े मंत्री थे, तो भाई सोच लो देश की स्थिति क्या सॉरी तो देश की स्थिति क्या रही होगी। मैं तो उस कैबिनेट को सोचती हूँ कि भाई क्या ग्रेट कैबिनेट रहा होगा जब अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े मंत्री रहे होंगे। अभी और जब ही में बड़ा अंतर है। चलेगा इस ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो वेल आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है तो बताएं, यस मैम क्लियर है, प्लीज टेल मी इफ यू आर क्लियर, प्लीज टेल मी यस मैम क्लियर। ओके और बच्चे, प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। भारत के प्रधानमंत्री की बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे, यानी कि कभी लोकसभा गए ही नहीं, तो चौधरी चरण सिंह जी थे जो लोकसभा कभी गए ही नहीं थे। ठीक है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ चला गया था, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। कई बार पढ़ाया मैंने, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है बच्चों? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है आपका, जब किसी मेंबर को, कैबिनेट के मेंबर या काउंसिल के मेंबर को हटाया जाता है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखता है कि उसे हटाना है। तो सभी, अगर उसे मेजोरिटी मिल जाती है तो बंदा हट जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था, यानी कि विश्वास मत हासिल नहीं किया था। ये पहले प्रधानमंत्री थे, अभी तक के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको हटाया गया था, विश्वनाथ प्रताप जी। अधिक समय में सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे मुरारजी देसाई बने थे। सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो राजीव गांधी बने थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को समझ आ गया है? ठीक है, तो क्लियरली समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगला सवाल है, भारत में तीन प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ये इनकी जो मृत्यु हुई इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई, यानी कि आपका ये आपका इन द सीट इनकी डेथ हुई थी, तो आपका कह सकते हो कि ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनको स्वर्गवास हुआ। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो। जो प्रधानमंत्री बनता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, पर हाँ उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होती है। अगर सदस्यता नहीं ली तो वो आपका क्या हो जाती है, अपने वहां पर जाने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सोहनवीर, 6 महीने से पहले ही, 6 महीने से पहले उन्हें सदस्यता लेनी पड़ेगी, अगर नहीं ली तो उनकी उनकी जो पोस्ट है वो खारिज कर दी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द टर्म ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग। मतलब यहाँ पे बोला गया है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, मतलब जब आपातकाल देश में अलग जाता है, आपातकाल लगता है ना बच्चों, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, तो तीन प्रकार के आपातकाल है। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा की अवधि को एक बार में अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार अगर आपातकाल लग गया तो उसको कितने समय तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। आपका मतलब 2.5 साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक, या डिपेंड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पूरी तरह से निर्भर करता है भारतीय प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। तो कब तक करा जा सकता है, जल्दी से मुझे बताएं।
चलिए तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ईयर तक। तो द करेक्ट आंसर इज 1 ईयर, तो 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। मतलब हमारे देश के संविधान में कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं संविधान के अंदर जो संशोधन प्रक्रिया में का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है। संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ये भी याद रखेगा। संविधान संशोधन हमेशा संसद के द्वारा किया जा सकता है। और सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जाए। मतलब देखिए, जो भूमि सुधार कानून होते हैं उन्हें चुनौती नहीं दे सकते अधिकतर, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल आता है बच्चों, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से फीचर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से नहीं ली गई है? प्रायम्बल, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं। तो बच्चों देखिए, आपका सिंगल सिटीजनशिप नहीं ली गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ये आपका यूनाइटेड किंगडम यूके से बेसिकली ली गई है, जिसे आप इंग्लैंड भी बेसिकली कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इज इन इंडिया टेकन सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा से लिया गया है। मतलब संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। फेडरल सिस्टम बच्चे, जहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम को एग्जिस्ट होके वर्क करती है, तो आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से या कनाडा से, तो कहाँ से लिया गया है? जल्दी से मुझे बताएंगे। तो बच्चे ये आपका जो लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर इज कनाडा। ओके, कनाडा की कैपिटल ओटावा है और करेंसी कनाडियन डॉलर है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और करेंसी यूरो है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपका कैनबेरा है। यस, कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। मुझे अभी करंट में याद नहीं है आयरलैंड की, मैं भूल रही हूँ कैपिटल ऑफ आयरलैंड। मेरे एक्चुअली माइंड से आपका आउट हो रही है, मुझे एकदम याद तो है, ये डबलिन, या करेक्ट, डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है, डबलिन। ठीक है, तो डबलिन कैपिटल की मतलब आयरलैंड की कैपिटल है। अगले आते हैं बच्चे, और हाँ, सभी कंट्री के, जब भी किसी कंट्री का नाम आता है तो उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, ये हमेशा मौजूद है, आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब बोला गया है नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में कौन सा आपका सही कथन है? यह मानव अधिकार के उल्लंघन के दोषी पाए गए लोगों को केवल जांच करने पर ही दंडित कर सकता है। इट कैन बी पनिश द पीपल फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली ऑन इंक्वायरी, पहला। दूसरा आता है, इसकी सिफारिश पर सरकार बाध्यकारी नहीं है। इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। बच्चे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक्चुअली ये दंड किसी को भी नहीं दे सकता, दंडित नहीं कर सकता है, बस ये सरकार से गुहार लगा सकता है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली बी। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें बोला गया है कि निम्न राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, पहला। यानी कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
वह किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों वाली किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं, दे इंटरवेंट इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, ठीक है, तो वो करते हैं, तो ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट होगा? तो बच्चे ये इसके दोनों ही सही हैं। जब कोई भी केस बहुत लंबित हो जाता है तो नेशनल वुमेन राइट उसमें आता है और वो कहता है कि भैया इतने दिन से लंबित केस है, इसको कर क्यों नहीं रहे, इसमें तो भाई बहुत परेशानी हो रही है, मान लो व्यक्ति निर्दोषी है तो बेकार की सजा काट रहा है, तो इसीलिए इसमें दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है मतलब भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यानी कि आपका यहाँ सवाल पूछा गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द विच ईयर, कौन से ईयर में से इनेक्टेड किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को? तो बच्चे आपका 1993 में, 1994 में, 1995 में और 1996 में, विच इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करो ताकि फिर मैं इसके डिटेल्स आपको समझाऊंगी। तो बच्चे 1993 में किया गया था, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है ये मानव अधिकारों पर ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड एक्टिव रहता है। आपके मानव अधिकार जो भी होते हैं उन्हें पूरे विश्व में आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप एक मानव हैं, ठीक है, तो मानव होने के नाते आपके कुछ अधिकार हैं और उन्हें पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी व्यक्ति आपसे चाह कर भी नहीं छीन सकता है। इज इट क्लियर टू एवरी वन? सभी बच्चों को क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियरली समझ आ गई होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चे। द जी वी के राव कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय, जी वी के राव समिति किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, नियुक्त की गई थी, मतलब किस लिए नियुक्त की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, नन ऑफ दी अबव, भारत सरकार के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, प्रखंड विकास खंड विकास कार्यालय के द्वारा, या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं, तो जल्दी से मुझे बताएंगे। सो गाइस प्लीज टेल मी कि जीवीके राव जो कमेटी थी वो किसके रिकमेंडेशन से बनी? तो वो आपका था प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन जिसे 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, और आपका प्लानिंग कमीशन में पहला प्लानिंग जो बनी थी 1951 टू 1956 तक चली थी। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। इन इंडिया मनीविल इज सर्टिफाइड बाय, भारत में मनीविल किसके द्वारा प्रमाणित होता है, मतलब मनीविल को कौन प्रमाणित करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा है बच्चे पूरा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। तो जो मनी बिल होता है वो किसके द्वारा प्रमाणित होता है, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो मनी बिल किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो मनी बिल जो बच्चे प्रमाणित किया जाता है वो हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। एनी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही, कोई भी अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा है वही किसी भी बिल को सर्टिफाइड कर सकती है कि वो मनी बिल है या वो मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। करंट में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है तो मुझे आप लोग कमेंट सेशन में बताइए, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, दीपक कुमार साहू का सही है, अश्विनी का सही है, विनीत का सही है, राजेश का सही है, जुबेर का सही है, ठीक है, तो चलिए ओके, तो आंसर करें बच्चे। नेहा ने भी सही आंसर किया है, अभी चौधरी ने भी सही आंसर किया है, दीपक कुमार साहू सी तो बिल्कुल गलत आंसर है आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, द कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिबेक देबरॉय कमेटी रिपोर्टेड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बिबेक देबरॉय समिति
रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए, विवेक देबरॉय नीति आयोग में रह चुके हैं, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? कोस्टल एरिया मैनेजमेंट, तटीय क्षेत्र प्रबंधन से, रोड सेफ्टी इशू, सड़क सुरक्षा के मुद्दे से, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन से, या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवे, रेलवे के पुनर्गठन से? तो बच्चे ये आपका रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवे, रेलवे के पुनर्गठन से बेसिकली संबंधित है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी चीजें समझ आ गई होंगी। और गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।